नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज मेरा जो सपना है वो यहाँ पे पूरा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है YouTube का सिल्वर प्ले बटन, जो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद मुझे ये YouTube की तरफ से गिफ्ट आया है। तो आज मैं आपके लिए इसका जो ऑनलाइन अनबॉक्सिंग करके आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग मैं अकेले अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी कर सकता था, लेकिन दोस्तों मैं आपके सपोर्ट के सिवा यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए दोस्तों मुझे लगा कि आपके सामने इसका अनबॉक्सिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग करके इसके साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है ये सब चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं 5 मिनट आपके साथ यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आए, और आप लोगों ने मुझे किस तरह से सपोर्ट किया और मेरा जो सपना है वो यहाँ पे पूरा हो गया। क्योंकि हर यूट्यूबर का एक सपना होता है कि उसे भी एक दिन इस तरह का बटन मिल जाए या कोई भी अवार्ड यहाँ पे मिल जाए, तो उसके लिए वो एक अच्छा मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों मेरा जब जर्नी स्टार्ट हुआ था यूट्यूब का, तो मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। और दोस्तों आप अभी जो चैनल यहाँ पे देख रहे हो, जिस चैनल के मुझे ये बटन मिला है, ये मेरा सबसे पहला यूट्यूब चैनल था। और ये चैनल क्रिएट करने के बाद दोस्तों मैं 2 साल तक बहुत स्ट्रगल करता रहा, क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रहा था, मेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे थे, मुझे यहाँ पे सब्सक्राइबर भी नहीं मिल रहे थे। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे आ रहे थे। यहाँ तक कि दोस्तों मैंने 4 बार यूट्यूब छोड़ दिया था। मतलब मैंने 2-2 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए छोड़ दिया था वीडियो डालना, अपलोड करना, पूरा काम यहाँ पे बंद कर दिया था। फिर मुझे कहीं से लगता था कि इतना मैंने मेहनत किया है, इतना मैंने स्टार्टिंग किया है, तो इतने दिन की मेहनत यहाँ पे पानी में चली जाएगी, तो मैं फिर से एक बार इसे स्टार्ट करता था। और दोस्तों जितनी बार मैं फेल हुआ, उतनी बार मैंने बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स को कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश की, उनको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, लेकिन शायद वो ज़्यादा बिजी होने के कारण या उनके पास ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे, तो उनमें से किसी का भी मुझे यहाँ पे कोई भी जवाब या रिप्लाई नहीं मिल पाया। तो दोस्तों उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद ही यहाँ पे रिसर्च करूंगा और धीरे धीरे यहाँ पे काम करूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ही सही काम किया, और वो काम ये था दोस्तों कि मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते चला गया। तो दोस्तों पहले मैं क्या करता था, अपने वीडियोस के ऊपर व्यूज कितने आते थे, मुझे सब्सक्राइबर हर रोज कितने मिल रहे, ये मैं रोज यहाँ पे चेक करता था। तो दोस्तों उसके बाद मुझे एक ऐसी चीज पता चली, एक यूट्यूबर ने यहाँ पे बताया थे कि आप रोज रोज इन्हें चेक मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। क्योंकि दोस्तों कल अगर ज्यादा व्यूज आते तो आज आपको लगता है कि आज कल से ज्यादा व्यूज आए, तो ऐसा नहीं होता है, तो दोस्तों आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 से 5 महीने तक YouTube का एनालिटिक्स देखा ही नहीं। मतलब मुझे हर रोज कितने व्यूज आते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स मिल रहे, इन सारी चीजों के बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया। और दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने इंटरेस्ट, मुझे क्या अच्छा लगता है वो करना यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे टेक में इंटरेस्ट था, तो मैं हर रोज एक टेक का वीडियो यहाँ पे अपलोड करते चला गया। और एक दिन मुझे ईमेल आया YouTube की तरफ से, और वो ईमेल मैंने यहाँ पे ओपन करके देखा, तो वहां पे दोस्तों ऐसे फूलों के एनिमेटेड फूल्स होते हैं ना, उनकी ऐसे बारिश हो गई। और वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 10,000 सब्सक्राइबर यहाँ पे पूरे हो गए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे शॉक हो गया, क्योंकि दोस्तों पहले कंडीशन ऐसी थी कि मैं अपने दोस्त का मोबाइल लेके उसके चैनल से अपने चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करता था। इस तरह से मैंने सब्सक्राइबर बनाया, दिन में मुझे 1-2 सब्सक्राइबर भी यहाँ पे नहीं मिलते थे, और उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे 4 से 5 महीने के अंदर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल काम हो गया था। और उसके बाद मैंने फिर से मुड़कर पीछे नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कि इस फील्ड में यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप कौन से भी फील्ड में जाइए दोस्तों, आपको शुरुआत में यहाँ पे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आप अगर अपने डेली बेसिस पे अपना काम करते रहते, ईमानदारी से काम करते, तो डेफिनेटली आपको एक दिन ये सक्सेस जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करते रहना है। और इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे और 3 चैनल्स यूट्यूब के बनाए, तो आज मेरे टोटल 4 यूट्यूब चैनल्स है। और दोस्तों मैं इन चारों चैनल से मिला कि यहाँ पे अच्छा खासा कमा सकता हूँ, जितना कि मैं अभी आपको यहाँ पे पूरी तरह से अमाउंट यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि YouTube हमें इसकी परमिशन नहीं देता है। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक आइडिया देने के लिए बताना चाहता हूँ कि एक मिडिल क्लास इंसान जितना कमा सकता है, उतना मैं यहाँ पे घर बैठे कमा सकता हूँ। और दोस्तों वो मिडिल क्लास इंसान क्या करता है, वो दिन में 8 घंटे 30 दिन काम करता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे
हर रोज 1 घंटा काम करता हूँ, और मुझे यहाँ पे किसी के अंडर के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा खुद का बिजनेस है, मैं जितना चाहे टाइम दे सकता हूँ, मैं जितना चाहे इसे एक्सपांड कर सकता हूँ। ना ही मुझे यहाँ पे ऑफिस जाने के लिए पेट्रोल का खर्चा करना पड़ता है, ना ही मुझे यहाँ पे रूम रेंट पे लेना पड़ता है, या ना ही मुझे यहाँ पे मेस का पैसा पे करना पड़ता है। ये मैं घर बैठे कर सकता हूँ, ये एक पार्ट टाइम जॉब की तरह से कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है, लेकिन आप यहाँ पे सही ट्रैक से जाते, आप यहाँ पे छोटे से शुरुआत करते और आप यहाँ पे पेशेंस रखते, तभी इस फील्ड में आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो दोस्तों मुझे भी अभी ऐसा लगता है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो यहाँ पे यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो भी यहाँ पे अपना टैलेंट बाहर लाना चाहते हैं लेकिन हिचकिचाते हैं, और यूट्यूब पे यहाँ पे वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन उनके दिमाग में यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी अगर यहाँ पे क्वेरीज हो, यानी कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाए, यहाँ पे ग्रोथ कैसे करे, व्यूज कैसे लाए, वीडियोज कैसे अपलोड करे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे और एक नई सीरीज यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे अभी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो इनमें से अगर 2 या 2,500 लोग भी अगर इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करे, वो मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है वहां पे लाइक बटन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपको 1-2 साल में कोई इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं बना सकता, मतलब उसमें से बहुत सारे बच भी जाएंगे, लेकिन मैं अपने खुद से आपको ये गारंटी नहीं देता कि आप 1-2 साल में यहाँ पे एक बड़ा यूट्यूबर बन जाएंगे, हर मंथ लाखों में पैसा कमाओगे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ कि जहां तक मैं पहुंचा हूँ वहां तक मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं 4 बार डीमोटिवेट होके यूट्यूब बंद कर चुका था, उसके बाद मुझे सही ट्रैक मिला, और वो ट्रैक क्या है वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो अगर कोई भी एक ट्रिक आपको अगर शेयर करते हैं तो उनको यहाँ पे मिलियंस में व्यूज आते, मतलब यहाँ पे दोस्तों 30-40 लाख तो आराम से उनकी वीडियो यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों वो ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करता है, और यूट्यूब का अल्गोरिदम ये हर रोज चेंज होता है, मतलब दोस्तों कोई भी ट्रिक यहाँ पे 1 साल पीछे किसी ने डाली थी तो वो ट्रिक यहाँ पे आज काम करेगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अगर यहाँ पे यूट्यूब पे अगर करियर बनाना है, यहाँ पे आपको इनिशियली यहाँ पे कैसे चैनल स्टार्ट करना है, कैसे आपको एक मिडिल क्लास पर्सन के जितना इनकम आप यहाँ पे हर मंथ कैसे पा सकते हो, इसके लिए आप अगर इंटरेस्टेड हो तो दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे यहाँ पे जो लाइक बटन है वहां पे प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आपके यहाँ पे 2-2,500 लाइक्स आने के बाद मैं तुरंत ही एक नया यूट्यूब चैनल यहाँ पे स्टार्ट करके आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की पूरी जानकारी मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। जो जो स्ट्रगल मैंने किया है, जो जो ट्रिक्स मैंने आज तक सीखी है, वो मैं सब कुछ आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, और वो ट्रिक्स सही टाइम पे अगर अप्लाई होगी तो आपकी ग्रोथ यहाँ पे होने वाली है। क्योंकि दोस्तों हर दिन यहाँ पे नया एल्गोरिदम आता है, तो मैं हर दिन नए एल्गोरिदम के हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने ये 5-10 मिनट हमारी बातें सुनी, इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ, और इस बटन के लिए मैं फिर से एक बार आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, और मैं अभी इसका अनबॉक्सिंग करके लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो टेप्स है मैं इन्हें यहाँ पे कट करके लेता हूँ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह का पैकिंग है। तो दोस्तों ये पैकिंग खोलने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुरियर की पूरी डिटेल्स है। तो दोस्तों यहाँ से पढ़कर आपको पता चलता है कि ये कुरियर कहाँ से आए। तो यहाँ पे लिखा है कि एमिरेट्स के एयर फ्लाइट से यहाँ पे आया है, यहाँ पे उन्होंने एड्रेस भी दिया है, एग्रोवेक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शायद यहाँ पे ये बनता होगा, वहां से वो इंडिया में आता होगा, और इंडिया में यहाँ पे मुंबई से ये मेरे एड्रेस पे यहाँ पे आ गए। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे कुरियर का कुछ डिटेल्स है। आगे आपको ऐसा बार कोड या जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा पता है, एड्रेस है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे मैं इसे अभी ओपन करके लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इसे ओपन करने के बाद इस तरह का पैकिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यूट्यूब ने इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से पैक किया है, ताकि इसे जो भी आपका ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे इसको कोई भी डैमेज ना हो, इसका पूरा उन्होंने यहाँ पे इंतजाम करके रखा है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन जैसा पैकिंग है वो मैं हटाता हूँ। उसके बाद ये इस तरह का एक कार्ड आपको मिल रहा है, उसके बाद ये आपको एक मैनुअल मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से। ये मैनुअल नहीं दोस्तों, ये एक सर्टिफिकेट है यूट्यूब की तरफ से। नीचे आपको यूट्यूब के जो CEO है उनका सिग्नेचर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। और उसके बाद आपको दिख रहा है ये सिल्वर प्ले बटन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मैं इसे बाहर निकालता हूँ, तो इसके नीचे भी आपको एक छोटा सा मैनुअल यहाँ पे मिल रहा है, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सुपर ड्राई ऐसा कुछ
इसके साथ भी मिल रहा है। तो दोस्तों अभी मैं इस बक्से को यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे ये जो बटन है ये मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा चमचमाता सिल्वर प्ले बटन। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है इसे हाथ में लेके। यहाँ पे हमारे चैनल का नाम भी आ गया है और नीचे लिखा है फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स, और नीचे आपको यूट्यूब का लोगो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार आप लोगों को यहाँ पे थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।